क्या करती है तू? उस पोपट ने बोला और तू मान गया उस लड़के से मिलने के लिए। पक्का इस पोपट की तरह ना चमन चिंदी होगा कोई। भाईलू तू ना बहुत सीधा है, तुझे पता है ना रानी अपने किस्मत की लाइन में अपनी आंखें खुद भी नहीं खड़ी रहती। खाने दो ना उस पोपट के प्यारे लाल को, चोंच पकड़ के पार्सल कर दूंगी पिंजरे में। आओ मेरी नाव को चोंच पकड़। भाईलू मोटा पापा, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलने। वो मतलब मैं और जब। एक सेकेंड राजा। हेलो सवेरे सवेरे लोन? अरे नहीं चाहिए लोन, तेरे को चाहिए क्या बोल। मोटा पापा। हाँ हाँ बोल। मैं कह रहा था कि मुझे ना पापा जी वो झरना के मम्मी पापा आए हैं बाहर, आपके लिए पूछ रहे हैं। इतने दिनों के बाद उन्हें बैठक में बिठाओ, चलो 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 चलो। हाँ 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 चलो, देखते हैं क्या हो गया अचानक। क्यों आ गए सुबह सुबह? श्रीनाथ जी थैंक यू। हाँ यस। अब तू भी सुन ले मम्मी, ऊपर वाला अमीरी सबको नहीं देता है और ये मैडम अपने अमीर बनने के सपने पर खुद ही पानी डाल रही है। शू बात करे छे चुपकी, अब वो मना थोड़ी ना कर रही है, मिल रही है ना लड़के को। हाँ हाँ वो तो तूने जोर जबरदस्ती की तब, बाकी उसका तो शादी करने का बिल्कुल मन ही नहीं है। क्या है ना चुकी बहन, शादी मुझे करनी है मम्मी को नहीं। अब जीजू किसी कन खजूरे को लेकर आएंगे तो ऐसी थोड़ी ना शादी कर लूंगा। बराबर, तू तो अब सयानी बन गई है ना। और सुन ले तेरे जीजू की चॉइस कोई ऐसी वैसी नहीं है, वरना वो तेरे जीजू ही नहीं होते। अरे आइए 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 दीपन जी आइए 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 आइए। हाँ हाँ आइए आइए। अब क्या बोलूं गुरमन भाई। अब देखिए ना, हम दोनों अपने काम धंधे में इतने उलझे हुए रहते हैं कि आमने सामने रहते फिर भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते। बराबर चे। समाज में आपके खानदान का नाम बहुत ऊंचा है। सब श्रीनाथ महाराज की कृपा से। ले 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 ले। अरे ले ले दिनेश भाई ले भाभी जी। वो क्या है ना गुणवंत भाई, हमारा ये सोचना है कि हमारी बेटी झरना आपके घर की बहू बने, हमें बहुत खुशी मिली। श्रीनाथ महाराज जी ये आपका ही चमत्कार है, ये तो खुद ही घर आ गई रिश्ता लेके। झरना जैसे पैसे वाली बहू मिल गई तो मेरे राजा की जिंदगी सवर जाएगी, उसकी तो खुद की फरसान की दुकान है। मेरा राजा राजा बनकर राज करेगा। दिनेश भाई आपने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। अरे वो कहते हैं ना कि बगल में छोकरी और गांव में फेरा फेरी, है ना मोटा भाई? अरे हम बाहर लड़की ढूंढ रहे थे, लड़की तो हमारे सामने ही थी। ये आशा की तो निकल पड़ी, झरना से राजा का रिश्ता। तो फिर मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। मारी बात खोटी लगे पर साची खरी है, इसे गोलमाल ना हो जाए इसलिए पूछ रही हूँ। हमारे घर में दो कुवारे बेटे हैं, आपको किसकी बहू बनाना है अपनी झरना को हैं? बेब वैसे तो तुम्हारे दोनों ही बेटे एकदम होनहार और लायक हैं, पर क्या है ना झरना और मेहुल एक दूसरे को पसंद करते हैं।
है मेहुल, तो अभी दिल से जवाब दे दे, अंग्रेजी में नहीं पूछ रही हूँ। ये रिश्ते से तो खुश तो है ना, है? ये तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे आज ही उसके हाथ पीले होने वाले हैं। वदाव्या, वदाव्या। अरे तुमने पढ़ा वदाने? के लिए मुंह मीठा कराने के लिए सबका है, जा जा आशा, जा जल्दी मिठाई लेके आ है। आशा कितनी खुश है, देखो मेहुल का रिश्ता हो गया ना है। मेहुलिया। मैंने दीपेन भाई को अपनी रानी के बारे में सब कुछ खुल के बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर दीपेन भाई को कुछ तसल्ली के लिए अपनी रानी से पूछना है तो पूछो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, पर रानी अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज पूछिए। हाँ, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछे ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूँ। बोलिए। शादी के बाद मैं काम करना चाहूंगी, अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। बहुत ही अच्छा खानदान मिला है, हाँ? बहुत ही खुश हो गई मैं तो। आहा, राज करेगी अपनी लड़की, हाँ? झरना, झरना। हाँ राजा, बोलो क्या बात है? एक सेकंड बात कर सकता हूँ? झरना, तुम ये मेहुल के साथ शादी, लेकिन तुम तो अपने और मेरे बारे में बात करने वाली थी ना? क्या, मैं और तुम? नहीं राजा, बिल्कुल नहीं। राजा, तुम्हें शायद से कोई गलत फहमी हुई है। देखो, मैं हमेशा से तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। लेकिन तुम तो मुझे हमेशा सब बताती थी। इतने सालों से हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो इतना तो जान ही चुकी हो ना तुम्हें। वैसे भी हमारी जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवान को इतना मानते हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम कह रहे हो ना तो मुझे पूरा यकीन है तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। हाँ तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए बताती थी ना। और वैसे भी राजा, तुम मेहुल के भाई हो, देवर भाभी का रिश्ता तो दोस्तों वाला ही होता है ना। राजा देखो, तुम ध्यान करो, क्या कभी भी हमारी बातों में मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा? क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? क्या मैंने कहा कि आई लव यू? बोलो राजा। नहीं ना राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है राजा भाई। मुझे भी ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चले। और अब सच बोलूं तो रानी, आपके मेरी सोच बहुत मिलती जुलती है। ये तो उल्टा हो गया, ये तो हैंडसम भी है और होशियार भी। चलो
कांदे पे बटाटा। मेरा मतलब है सोने पे सुहागा। तुम दोनों की सोच इतनी मिलती है तो रिश्ता पक्का कर ले। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। बस मुझे पता था तू इतनी आसानी से मानेगी नहीं, इसीलिए ये रात जलसा डांडिया के पासेस। क्या बहुत मुश्किल से मिले हैं, क्या है बड़े लोगों की सोसाइटी का गरबा है। तुम दोनों जाओ डांडिया रास खेलो, क्या है वो बहाने एक दूसरे को जानो, और अगर जान जाओ तो हमें आके बताओ, तो क्या है शगुन का श्रीफल देके रिश्ते की बात पक्की कर दे। ये लो। झरना और मेहुल एक दूसरे को पसंद करते हैं। राजा, तुम्हें शायद से कोई गलत फहमी हुई है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। राजा भाई, देवर भाभी का रिश्ता तो दोस्तों वाला ही होता है ना। ये मोटा भाभी अपने आप को समझती क्या है? मैं भी अपने राजा बेटा की शादी ना एक सुंदर सुशील और अमीर खानदान की लड़की से कराऊंगी। पर सवाल यह है कि ऐसी लड़की मिलेगी कहां? डांडिया रास में। काकी, आज जलसा डांडिया रास का प्रोग्राम है और वहां सब अच्छे और बड़े घर के लड़के लड़कियां आते हैं। वहां राजा भाई के लिए जरूर लड़की मिल सकती है। और हमारे खानदान में तो कितने रिश्ते ऐसे डांडिया खेलते खेलते हुए हैं। राजा भाई तो हर साल जाते हैं, इस बार आप भी उनके साथ जाइए। बात तो तेरी 100% सही है दर्शना बहू, पर राजा इस साल नहीं जाएगा। वो झरना का भी रिश्ता पक्का हो गया है ना मेहुल से, मुझे अच्छी तरह पता है। मेरा राजा बहुत पसंद करता था उसको। राजा भाई की टेंशन आप मत लो, वो तो मस्त रहते हैं। अरे उनके साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो उसने भी कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। अब आप ज्यादा सोचो मत और डांडिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हितांग जल्दी फ्री हो जाते तो मैं और गुड्डी भी चलते साथ में। पर कोई नहीं, अगले साल। इस बार आप जाओ और लड़की पसंद करके ही आना। बरोबर छे, तुम बरोबर छे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने और झरना के बारे में क्या सोच रहा था, कितना गलत सोच रहा था। पर शायद गलती मेरी थी। झरना ने तो मुझे कभी ऐसा वैसा कहा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि शायद आप भी ऐसा नहीं चाहते थे। तो आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो मैं आज से याद रखूंगा कि झरना मेरी भाभी है। बस
कम भाड़े में कितनी प्यारी ड्रेस सिलवाई है जया ने। अब कैसी हैं आप रानी? एकदम बढ़िया। अब रानी आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। वैसे ये ड्रेस मैंने भाड़े पे ली है। ओ आप भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू।